अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी ज़ियाउर रहमान जिलेज, लाइफ राइसर एंड करियर काउंसलर। उम्मीद करता हूं आप खैर कैसे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस बॉटनी का क्या स्कोप, बॉटनी है क्या और कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बॉटनी के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। पहले हम बात करेंगे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने FSC की है प्री मेडिकल के साथ या इवन नॉन मेडिकल के साथ, आप BS बॉटनी में एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं, किसी कॉलेज में भी ले सकते हैं। तहसील लेवल पर जितने कॉलेजेस होते हैं वो भी BS बॉटनी ऑफर कर रहे होते हैं। ये बॉटनी है क्या? बॉटनी बेसिकली प्लांट्स की स्टडी का नाम है। आसान लफ्जों में अगर आपको बताऊं तो प्लांट्स की स्टडी का नाम बॉटनी। अब जहां जहां प्लांट्स से मुतलका जितनी जॉब्स होंगी वहां वहां आपका स्कोप भी होगा, वहां वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो और वही आपके जॉब एरियाज होंगे। जैसे आप कहेंगे जंगल की बात आएगी, फॉरेस्ट की बात आएगी, तो फॉरेस्ट की जितनी स्टडीज होंगी, जो हमारा फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट होगा वहां पर एक बॉटनी के एक्सपर्ट की जरूरत तो पड़ेगी, एक बॉटनी ग्रेजुएट की जरूरत पड़ेगी, बॉटनी मास्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ प्लांट्स की स्टडी होगी प्लांट्स के एक्सपर्ट के तौर पे एक जॉब एरिया हो सकता है। आपका एनवायरनमेंट की स्टडी जो होती है वहाँ पे जो प्लांट के एक्सपर्ट होते हैं या बॉटनी के एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। आप प्लांट की फार्मिंग जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे काम कर सकते हैं। हार्टिकल्चर से रिलेटेड जितना काम होता है वहाँ पे, क्रॉप की जितनी स्टडीज़ है वहाँ पे एक बॉटनी के एक्सपर्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इकोलॉजी की जितनी स्टडी है एक वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इकोलॉजिस्ट के तौर पे। प्लांट रिसर्चर के तौर पर आप प्लांट की एक्सपर्ट के तौर पे, प्लांट कंसल्टेंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जितनी वेजिटेबल फार्मिंग होती है, किचन गार्डनिंग जितनी होती है, इन सब के लिए एक प्लांट एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके साथ साथ नर्सरी का जितना बिजनेस है वहाँ एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि नर्सरी के बिज़नेस को कैसे चलाना है, वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन से प्लांट कहाँ ग्रो किए जाएँ तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, कौन से प्लांट कहाँ ग्रो करें, किस इन्वायरमेंट में ग्रो करने चाहिए, इस सारी स्टडी का नाम बॉटनी है। और इन सारी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जॉब एरिया सिर्फ टीचिंग नहीं है बल्कि टीचिंग के अलावा BS बॉटनी वाले बहुत सारी जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जैसे मैंने फॉरेस्ट फील्ड में जा सकते हैं, आप नर्सरी के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, आप प्लांट रिसर्चर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप प्लांट से रिलेटेड जितनी हैं लैब्स हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, आप जैसे ये NRC है, PCSIR है, वहाँ पे जितनी स्टडी हो रही है एग्रीकल्चर से रेलिवेंट जितने शोबा जाते हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो सारी फील्ड्स इससे मुतलका हैं। तो यहाँ सिर्फ टीचिंग आपका स्कोप नहीं है बल्कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं तो अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप एक शानदार मुस्तकबिल रखेंगे अगर आप इंटरेस्ट के साथ ये डिग्री करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।